ओमकार हूं। सृष्टि के आरंभ में सर्वथा एवं सर्वत्र शून्य था। उसी शून्य में से ज्योति बिंदु का रूप धारण कर शिव के अक्षर शरीर के प्रतीक से मेरे आकार का निर्माण हुआ, अर्थात मैं शिव का आदि आकार हूं। भूत, भविष्य और वर्तमान मुझमें समाये हुए हैं। जिस शून्य में से मेरी उत्पत्ति हुई, उसी शून्य से पंचमुखी और 10 भुजाधारी शिव निर्गुण रूप में प्रकट हुए। इसी पंचमुखी शिव स्वरूप में से अष्ट भुजाधारी मां शक्ति भी प्रकट हुई। तदुपरांत दोनों की संवेद शक्ति ने आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी तथा ग्रह नक्षत्रों की रचना की। सृष्टि की रचना का यही क्रम उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहा। जल तत्व से क्षीर सागर प्रकट हुआ, जहां शेष शैया पर श्री हरि विष्णु की उत्पत्ति हुई और उनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए सृजनहार ब्रह्मा जी। इन समस्त रचनाओं के मूल में शिव लीला ही कार्यरत थी, किंतु ब्रह्मा विष्णु शिव लीला से अनभिज्ञ आश्चर्यचकित थे। उनके समाधान के निमित्त सदा शिव का ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। सदाशिव के आदेश पर युगों तक ज्योति स्तंभ के आदि अंत का संधान कर असमर्थ हुए ब्रह्मा विष्णु को तप करने की आज्ञा हुई। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। शिवा, ओम नमः शिवाय। 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 आप कौन है सर्वशक्तिमान? आपके स्वरूप में बदलाव दे रही, इसका रहस्य है। हम हैं अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का अभिन्न रूप। अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का अभिन्न रूप। हाँ श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, जिस ज्योति स्तंभ का आप दोनों युगों युगों तक अनुसंधान करते रहे, वही अर्धनारीश्वर रूप में आपके सामने प्रकट हुआ है। शिव और शक्ति एक दूसरे में समाये हुए हैं। शिव में ही शक्ति है और शक्ति में ही शिव। आदिदेव सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव और आदिशक्ति मां शिवा के अर्धनारीश्वर रूप को प्रणाम। हमारा तप सफल हुआ, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। एको हम बहु श्याम। आप दोनों हमारी सृष्टि कामना से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप दोनों सृष्टि रचना और सृष्टि पालन का कार्य करेंगे। सृष्टि रचना और सृष्टि पालन? हाँ श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, हमने जिन पांच महाभूतों पंच तत्वों का निर्माण किया है, उनसे आप सृष्टि और प्राणी मात्र के सृजन का कार्य करेंगे। और श्री हरि विष्णु जी,
श्री ब्रह्मा जी जिस सृष्टि का सृजन करेंगे उसका आप पालन करेंगे। जो आगे अर्धनारीश्वर। हे अर्धनारीश्वर शिव शक्ति, क्या आपका यह ही रूप संसार के लिए पूजने योग्य होगा? नहीं, ये हमारा दिव्य सात्विक रूप है। शिव का संसारियों के लिए पूज्य रूप सृष्टि रचना के पश्चात कैलाश पर प्रकट होगा। और आदिशक्ति। शक्ति का रूप जानने के लिए आपको सृष्टि रचना होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। अब आप दोनों अपना अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। श्री ब्रह्मा जी, अब आप ब्रह्मलोक में स्थित होकर सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ कीजिए। अवश्य श्री हरि विष्णु जी। अब मैं आदि देवता सर्वशक्तिमान महेश्वर श्री सदाशिव की आज्ञा को कार्य रूप दूंगा। ओम नमः शिवाय। तदुपरांत शिवाज्ञा से ब्रह्मा ने पंच तत्वों से सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने ऊर्ध्व आकाश में स्वर्गलोक की उत्पत्ति की। स्वर्गलोक के सिंहासन पर स्वर्ग के स्वामी देवराज इंद्र के साथ उनकी सहधर्मिणी इंद्राणी शचित हुई। साथ ही प्रकट हुए इंद्र के सहायक देवतागण जो अमित शक्ति के धारक थे और स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं। स्वर्ग रचना के पश्चात ब्रह्मदेव ने सात समुद्रों से घिरी सप्त द्वीप पृथ्वी की रचना की। ये पृथ्वी पर्वतों, वृक्ष लताओं और झरनों से पूर्ण थी। पृथ्वी पर भांति भांति के जीव जंतु, पशु पक्षी वन प्रदेशों में प्रकट हुए। स्वर्गलोक तथा पृथ्वी लोक की रचना के पश्चात ब्रह्मा ने पाताल लोक तथा नरक की स्थापना की। पाताल लोक के साथ ही वहां रहने वाले असुरों की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा ने सप्तर्षि वशिष्ठ, मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु तथा पुलतस्य प्रकट किए। ये सातों ऋषि मंत्रकर्ता, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टिधारी, दीर्घायु आदि गुणों से युक्त, धर्म का साक्षात्कार कराने वाले तथा गोत्रों की उत्पत्ति करने वाले ऐसे सात गुणों से परिपूर्ण थे। हे सप्तऋषियों, अब नव मंडल में अपना अपना स्थान ग्रहण करके विधि द्वारा निर्मित कार्य प्रारंभ। युगलों में कामेच्छा उत्पन्न करना और वसंत, तुम प्रकृति में सौंदर्य प्रकट करोगे।
सृष्टि की रचना के लिए यह अति आवश्यक अंग है। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। नारद अपने मानस परम पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करता है। आयुष्मान भवन है। तुम श्री हरि विष्णु के परम भक्त के रूप में प्रसिद्ध होकर संसार में धर्म और भक्ति का प्रचार करते हुए संसारियों की उलझी हुई समस्याएं सुलझाओगे। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। सृष्टि में प्रकट होने वाले प्रथम पुरुष तुम मनु महाराज के नाम से जगत में प्रसिद्ध होगे और सृष्टि में प्रकट होने वाली प्रथम नारी संसार तुम्हें शतरूपा के नाम से सदा स्मरण करेगा। हमारे लिए क्या आज्ञा है परमपिता? आप दोनों वैदिक तथा सनातन धार्मिक विधि के अनुसार एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करके मैथुनी सृष्टि द्वारा प्रजोत्पत्ति का कार्य प्रारंभ कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा परमपिता। ओम नमः शिवाय। मेरे लिए क्या आज्ञा है परमदेव ब्रह्मा जी? संध्या, तुम मनुष्यों में यज्ञ हवन की रुचि जगाने इष्ट देवों तथा पितरों के प्रति आराधना का माध्यम बनने के लिए प्रकट हुई। तुम धर्म ऋषि के आश्रम में स्थान ग्रहण करो। जैसी आज्ञा परम देव की। ओम नमः शिवाय। हे सदाशिव, आपकी इच्छा से ही हम ब्रह्मा विष्णु उत्पन्न हुए। सारी सृष्टि समष्टि प्रकट हुई। आप ही समस्त ज्ञान विज्ञान कला नृत्य संगीत और विद्याओं के आदि स्रोत हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि विद्या निपुणता तथा संगीत साहित्य की प्रेरणा समस्त सृष्टि के प्राणियों में जगाने के लिए देवी स्वरूपिणी एक दिव्य शक्ति को प्रकट करें जिसके मानव मात्र ने विद्या बुद्धि तथा कला संस्कृति प्रकट हो। हे सृष्टि के सज्जन कर्ता ब्रह्मा जी, आपकी तथा सदाशिव की इच्छा से मैं वीणा पाणी सरस्वती आपके सन्मुख प्रकट हुई हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे महादेवी सरस्वती, इस सृष्टि में कला संगीत ज्ञान विज्ञान एवं समस्त विद्याएं तुम्हारी उपासना से सिद्ध होंगी। जिज्ञासा ही मानवता को विद्या प्रदान करती है, मेरी यही कामना है। सृष्टि के सृजनहार ब्रह्मा जी की इच्छा का आदर अवश्य करूंगी। इस प्रकार ब्रह्मा सृष्टि की रचना में इतने आत्मविभोर हो गए कि वे अपने मानस में उत्पन्न अपने पुत्र दक्ष को प्रकट करना सर्वथा भूल गए। तब स्वयं दक्ष ने पीड़ित होकर ब्रह्मा को कठोर शब्दों में स्मरण कराया। मुझे भी प्रकट कीजिए परमपिता, आप अपने पुत्र दक्ष को उत्पन्न करना कैसे भूल गए? परमपिता, आपके मन में मेरा उद्भव हो चुका है। मैं अपने बाहर आने का मार्ग खोजते खोजते आपके चरण के अंगुष्ठ तक आ पहुंचाऊं। मुझे भी प्रकट कीजिए परमपिता, मुझे भी प्रकट कीजिए। दक्ष, मैं अपने से उत्पन्न मानस पुत्र पुत्रियों को देखने में ऐसा विभोर हुआ कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा। हे
मेरे मानस पिता ब्रह्मा जी, मैं दक्ष प्रजापति सर्वप्रथम प्रकट होने का अधिकारी था, परंतु आपने मेरी उपेक्षा की। आपने ऐसा क्यों किया परमपिता? मैथुनी सृष्टि से प्रजोत्पत्ति का दायित्व सर्वप्रथम मनुष्य कृपा को पूर्ण करना है, अतः तुम्हारा अंत में प्रकट होना उचित ही है। आप ही ने तो विधान निश्चित किया है परमपिता कि प्रजापति का पद सर्वप्रथम मुझे प्राप्त होगा। अवश्य हम उस विधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं, परंतु प्रजोत्पादक तथा प्रजापति का कर्तव्य तुम विवाह करके ही पूर्ण कर सकोगे। अर्थात आपके कहने का तात्पर्य क्या है परमपिता? पहले तुम्हारा विवाह प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी से होगा, तत्पश्चात ही तुम प्रजापति के लोग। जाओ, पहले ये कार्य पूर्ण करो। सोच क्या रहे हो बुद्ध दक्ष? तुम तो प्रजापतियों के आदर्श बनने जा रहे हो। जाओ, अपना दायित्व पूर्ण करो। तुम्हारा कल्याण हो। जो आज्ञा परमपिता। ओम नमः शिवाय। और इस प्रकार सृष्टि की तीन प्रधान एवं मूल वृत्तियों में से तामसिक वृत्ति के प्रतिनिधि के रूप में दक्ष ने जन्म लेकर अहंकार की वृत्ति को जन्म दिया। कालांतर में अहंकार की इस दुष्ट प्रवृत्ति ने विश्व की शांति को आहत कर शांतिप्रिय प्राणियों को पीड़ित किया।